सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। परी हो ना तुम्हारे को, हाँ पहले मेरे को तो अच्छे से देख लो जी, तुम बाद में दूसरी की सोचो कते। अरे शक भरी औरत, इसके वास्ते बोलते बादला देख के मटके नहीं पड़ना, पहले पूरी बात सुनो तो मेरी। आई अब क्या सुनना सुनाना बाकी है, सीधा सीधा दूसरी शादी की सोच रहे तुम, इसके वास्ते परिदियों में को बोल रहे नहीं। ए नीम हकीम खतरे जान, मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि अपने घर में एक प्यारी सी नन्नी सी परी की जैसी बेटी दियो बोल के। अच्छा हाँ, तुम क्या समझे मैं दूसरी शादी की बात कर रहा समझे? हाँ तो फिर सही समझे। क्या बोले? अरे मुंह खोलना अदाब हो गया और खाली शक कर रहे तुम। शक करने की वजह है मेरे पास। अरे तुम शक करते करते शकीला बन जा रहे। अब ये शकीला चुड़ैल कौन है? कब से चल रहा है ये चक्कर? मेरे को मालूम था तुम भरोसे के काबिल नहीं है सो। अरे मैं खाली ऐसी बोला जी, जैसा अलिफ से अनार बोलते ना वैसे शक से शकीला बोला। अरे ये तुम्हारी शक की दुकान बंद करो और खाना निकालो, जाओ भूख लग रही में जाओ। कभी अपनी गलती नहीं मानना तुम। वैसे क्या पका है खाने में? सब बनाए सिवाय तुम्हारे को बेवकूफ बनाने के, जो पकाए वो खाओ खामोश। जहर भी दिए तो खा लेना, क्या जहरीली औरत? क्या बोले जी, तुम तो रंग बदलने वाले गिरगुट के जैसे है, जहाँ चिकनी पोटी दिखी नहीं राल टपकाना शुरू कर देते। अरे एक दिन तुम्हारा शक लेके डूबता जी तुम्हारे को। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, जो पकाई वो खा लो खामोश। मेरी जिंदगी खामोश हो गई ना जी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए। क्या बोले जी? मैं बोला मेरी जिंदगी में खुशहाली आ गई जब से तुम मेरी जिंदगी में आए। बोला हाँ वो बोल रही, बैठो निकालती हूँ खाना। अजी कहाँ है जी ओ आदमी? आई यहाँ भी नहीं है, टॉयलेट में होंगे। टॉयलेट में है? आई सो गए क्या? सुन रहे आई? ऐसा तो भी कहाँ चले गए ना, कोसी तो भी बच्ची से तो मिलने नहीं गए, सुबह सुबह कौन सी चुड़ैल बुलाई होंगी इनको। ठहरो अब भी फोन करती हूँ इनको। फोन कर रही यार सुबह सुबह। हेलो कहाँ है जी, कब से ढूंढ रही मैं तुम्हारे को? मैं कहाँ नौकरी हूँ जो तुम मेरे को ढूंढ रहे? मेरे सवाल का जवाब दियो जी। तुम क्या केबीसी है जो मैं तुम्हारा जवाब दियूँ? कहाँ है वो बोलो। ऑफिस में। ऑफिस में नाश्ता करे? हाँ कर लिया। किसके साथ करे, कौन है वो माठी मिली, नाम बोलो उसका। आलिया भट्ट के साथ करा। आलिया भट्ट, अच्छा अर्ज किया है? इरशाद इरशाद इरशाद। पगले क्यों पड़ा है औरों के चक्कर में? वाह 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 वाह। पगले क्यों पड़ा है औरों के चक्कर में, कोई नहीं है तेरी शहजादी के टक्कर में। अख्तू क्या हुआ जी, शेर अच्छा नहीं था? अरे पूरा मूड खराब कर दिया जी, तुम रखो फोन रखो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जीनत, और क्या हाल है तुम्हारे शोहर का? उन्हों मस्त है मगर मेरा हाल तो बेहाल है। कहीं को क्या हुआ? इनो नया करे आज, मेरे उठने से पहले ऑफिस को चले गए। मैं पूछी नाश्ता करे क्या जी, बोल तो आलिया भट्ट के साथ करे कते। ये आलिया भट्ट का कुछ ना कुछ तो करना पड़ता झटपट। तुम टेंशन रखो लियो जीनत, मियाँ बीवी के मामले में मैं PhD करी हुई हूँ, ऐसे मर्दों को पटरी पे लाना आता मेरे को। क्या है कि क्या नहीं कि सबा, मेरी जिंदगी की ट्रेन तो तुम्हारे हाथ में है। तुम टेंशन रखो लियो जीनत, ऐसे मर्दों को बच्चों से ज्यादा कंट्रोल में रखना पड़ता, मैं तो बेलगाम घोड़ों के जैसा ही आवा मुआ मार लेते फिरते रहते। ऐसा तो अब क्या करेंगे? तुम्हारे हस्बैंड का फोन चेक करेंगे। जीनत अगर तुम जीशान अंकल की बेटी है ना तो तुम तुम्हारे शोहर का फोन चेक करना, अगर तुम्हारे को लड़ना पड़ा तो भी लड़ लो, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है।
हाँ सही बोले सबा तुम। मैं शुरू से ही सही बोल रही थी। मेरे को तो दाल में कुछ काला दिख रहा। मेरे को तो पूरी दाल ही काली दिख रही। अच्छा मैं रखती हूँ, इनके आने का टाइम हो गया। ठीक है अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आ गए आप? मेरे को नहीं आना था। ठीक है चल। अरे नहीं रुको जी रुको। क्या हुआ? आपको देख के मेरे आंखों में ठंडक पड़ गई, दिल को सुकून मिल गया। हाँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज अचानक मगरिब में इतनी मोहब्बत कहीं को बरस रही। अरे छोड़ो जी जाने दो, आप मेरे को बैठती हो। दियो जी आप सोफे पे बैठो, थक गए होंगे ना, पानी लेके आती हूँ मैं आपके पास। आज तो मैं इनका फोन चेक करके रहती हूँ और पर्दाफाश करती हूँ। कुछ तो गड़बड़ दिख रही बाप, होशियारी से रहना पड़ता। आज अचानक ये जहरीली औरत मोहब्बत कई को बरसा रही होंगी। समझ में? मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। फोन दियो। फोन कई को? चार्जिंग पे लगाती हूँ। बैटरी फुल है। मेरे को एक कॉल करना है, फोन दियो। आपका ना है ना फोन? चार्जिंग खत्म हो गई। चार्जर लियो। रिचार्ज खत्म हो गया तो मैं करता हूँ ना। मतलब तुम फोन नहीं देते बोलो? तो तुम शक करना नहीं छोड़ते बोलो। ये 32 ही नक्को दिखाओ। हैं? भूख लग रही, दस्तर बिछाओ जाओ। ठीक है। इन्हें फोन के पीछे कहीं को पड़ी हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। फोन को छुपाना पड़ता। नहीं, बैग में छुपाया तो जल्दी पकड़े जाता। बेडरूम में छुपेंगे? नहीं, बेडरूम के पूरे राजा मालूम है, फिर कहाँ छुपाऊँ? कहाँ? यहाँ छुपाया तो शेक बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, कौन सा भी बॉन्ड नहीं देख सकता। मैं बाथरूम को जा रहा हूँ, दस्तर बिछाओ जल्दी। मेरे हाथों की बनी दाल कैसी थी? मजेदार, बिल्कुल आपके जैसी थी मैडम। और मैं नई ड्रेस में कैसी दिख रही हूँ थी? मौत दिख रहे थे मैडम तुम। कफन पहना के दफन कर देना दिल बोल रहा था। क्या है? मैं नए ड्रेस में कैसी दिख रही हूँ? बिल्कुल चांद के जैसे दिख रहे। कौन सा? चौदवी का? नहीं, अमावस का। मैडम कैसे दिख रहे थे नए ड्रेस में? सुकून से खाने देते नहीं देते? दाल कैसी बनी? बिल्कुल आपकी सूरत की जैसी। मतलब प्यारी बोलना चाह रहे? नहीं, उजाड़। मैडम की दाल कैसी बनी थी? मेरा फोन लेके आता हूँ। मतलब फोन मेरे पास है और मैं तुम्हारी मैडम की पूरी चैट पढ़ ली। ऑफिस को काम करने जा रही है, मैडम के साथ गुलछर्रे उड़ाने जा रही। अरे शक भरी औरत, मैडम है वो, उनकी झूठी मूठी तारीफ करना पड़ता तो क्या जरा जल्दी प्रमोशन मिलता। तो
तुम पिछले जन्म में शेख चिल्ली थे क्या? कहियो मैडम की इतनी चापलूसी कर रहे तो पूछी। मेरे को शौक नहीं है मैडम की चापलूसी कर लेते फिरने का, वो तो मैं तुम्हारे वास्ते कर रहा था। अगर प्रमोशन मिल गया तो क्या है, काहे तुम्हारे ऐसा कभी घुमाने क्यों लेके जा सकता हूँ। एक महीने को महीना तुम्हारे वास्ते कुछ भी एक अच्छे कपड़े ला सकता हूँ, एक कार ले सकता हूँ, कब तक जी वो खटारे में घूमेंगे अपन। हाँ अरे चांद के टुकड़े की जैसी एक बीवी है, लेना उसके वास्ते एक टीवी है, ये सोच के मैं मैडम की तारीफ कर रहा था, मगर तुम तो ऐसा। मैं क्या किस समझ ले रही थी, देखो। हाँ तो मैं मैडम की तारीफ करूँ? कोई जरूरत नहीं है, दूर रहो वो चुड़ैल से, मेरे को उसकी नीयत अच्छी नहीं दिख रही। फिर प्रमोशन? भाड़ में गया। जैसी हूँ खुश हूँ, एक दिन वो सड़ी मैडम का तो अच्छे से बताती हूँ मैं। अरे जान दे जी छोड़ो, मैडम को मारो गोली। अरे तुम्हारे से बढ़ के क्या है जी मेरे वास्ते दुनिया में, तुम है तो मैं हूँ। अरे तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही तुमसे ही। मेरी ये उल्टियाँ कई को फड़क रही, तुम झूठ बोल रहे क्या मेरे से? अरे मैं झूठ कई को बोलता हूँ जी? अरे दस्तर पर पड़ के कौन तुम्हें झूठ बोलता। सही में तुम्हारा और मैडम का कुछ भी नहीं चल रहा ना? अरे तुम्हारी कसम जी कुछ भी नहीं चल रहा। मैडम का वॉइस मैसेज आया। हाँ देखो क्या है, देखी। हेलो स्वीट हार्ट, कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? कॉल मी बैक ना प्लीज, मिसिंग यू सो मच, सो 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 मच ना। क्या है जी ये? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम। मेरे को मालूम आप लोगों को भी जो है सो ये वीडियो देख के बहुत मजा आया। अब मैं मेरे को भी अल्फाज नहीं आ रहे क्या बोलेंगे, कोई बोल रहा तुम्हारा कैमरा मैन नीचे बिठा दिया भाई पोस्ट क्रेडिट में। खैर कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, कमेंट करो, शेयर करो, तुम भी थोड़ा बोलो, सब्सक्राइब करना मत भूलो और प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। है इधर जाओ जी। तो गाइस क्या है, मैं थोड़ा कमेंट आ पड़ा, आप लोग कहाँ बोल रहे हैं कि भाई ये करो वैसा करो ऐसा करो, कुछ भी नहीं रहता उस्ताद। क्या है नया टैलेंट आया तो क्या उसको सपोर्ट करना अपना, ऐसा डीमोटिवेट नहीं कर देना। व्हाट इज दिस, कब से इतने नेगेटिव हो गया यार तुम लगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ सही में, दिल पे नक्को लो। तो कहा है वायरल करो कंटेंट, अच्छे वेबसाइट बनाते रहते हैं, चलो दूसरी शूटिंग करना है।